नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। वर्तमान समय में संस्कृत विद्यालयों में पूरे प्रदेश में भर्ती की प्रक्रिया जो गतिमान है, जिसके संदर्भ में पूर्व में कुछ क्राइटेरिया निर्धारित किए गए थे, लेकिन अभी अभी की न्यूज ये आ रही है कि कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद इसमें कुछ परिवर्तन किए जा रहे हैं। वर्तमान समय में जो भर्ती की प्रक्रिया गतिमान है वो संस्कृत विद्यालयों में उत्तर मध्यमा स्तर पर और पूर्व मध्यमा स्तर पर क्रमशः 15,000 और 12,000 रुपये के मानदेय के आधार पर जो शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया गतिमान है, लेकिन इसमें कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद से कुछ परिवर्तन किया गया था। हमारे कई ऐसे जो स्टूडेंट और कैंडिडेट के माध्यम से लगातार क्वेरी की जा रही थी कि उत्तर मध्यमा स्तर पर जो भर्ती की प्रक्रिया गतिमान है वो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा भर्ती किए जाने वाले प्रवक्ता पद के जो है समकक्ष होता है। तो ऐसी स्थिति में वहां पर यदि मानक जो भी रखे गए हैं क्राइटेरिया, उसी तरीके से क्राइटेरिया और मानक यहां पर रखने चाहिए, लेकिन यहां पर भर्ती के लिए जो है शिक्षा संस्कृत शिक्षा परिषद के द्वारा उसके लिए योग्यता निर्धारित की गई थी वो पूर्व में जो है आचार्य प्लस जो है बीएड की डिग्री थी, लेकिन माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में जो है केवल जो है पीजी कोर्स की जरूरत हो, पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए उस सब्जेक्ट में, और इसकी डिग्री की जो है बात नहीं कही गई थी। तो ऐसी स्थिति में जो है कोर्ट में जो रिट दाखिल की गई थी उसके आधार पर जो है यहां पर इस बात को स्पष्ट कर दिया गया है कि अब जो है वो उत्तर मध्यमा स्तर पर शिक्षक पद पर भर्ती करने के लिए जो बीएड की नहीं बल्कि आचार्य होना आवश्यक है, और आचार्य का तात्पर्य वहां पर प्रास्नातक डिग्री से होता है, परंतु इसमें कम से कम जो है द्वितीय श्रेणी में जो है उस कैंडिडेट का पास होना आवश्यक है। तो ऐसी स्थिति में पूर्व में जो आपके भर्ती के लिए क्राइटेरिया और जो योग्यता निर्धारित किया गया था उसमें परिवर्तन हो रहा है। तो ऐसे कैंडिडेट के लिए जो भी अभी तक बीएड के कारण से जो आवेदन नहीं कर पा रहे थे उनके आवेदन करने के लिए एक मौका जो दिया गया है, और उस आदेश में इस बात को भी जो है उल्लिखित किया गया है कि यदि समय कम है तो निश्चित तौर पर जो है इसमें जो है आवेदन की तिथि को बढ़ाना होगा, ताकि कोई भी कैंडिडेट जो है इस आदेश के बाद जो है आवेदन करने से वंचित ना रह जाए। तो इस तरीके से उसमें यदि आवश्यकता हुई तो आवेदन की तिथि को भी बढ़ाने की बात कही गई है। अब यह इस बात पर निर्भर करता है कि आने वाले समय में कितना समय जो है आपके आवेदन के लिए बचता है, तो उसके आधार पर आपको आवेदन करने के लिए जो है मौका दिए भी जा सकते हैं, यद्यपि अभी समय है। तो जो भी कैंडिडेट आप इस प्रकार की डिग्री रखता है वो उसमें आवेदन कर सकता है और इस भर्ती की प्रक्रिया में जो है अपने आप को सम्मिलित कर सकता है। तो ये न्यूज़ जो है इसी तरीके से थी। आप जैसे इसमें हाईलाइट पॉइंट पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये दिखाई पड़ेगा कि पूर्व में जो है ये आचार्य में द्वितीय श्रेणी के साथ साथ जो है शिक्षा शास्त्री का होना आवश्यक था, परंतु अब इसमें जो है शुद्धि पत्र जारी कर दिया गया है निदेशक के स्तर से, और अब इसमें जो है बिना जो है बीएड के आधार पर केवल आचार्य की डिग्री के आधार पर आप आवेदन कर पाएंगे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही जो है जानकारी थी, ताकि जो भी अभ्यर्थी जो है इससे वंचित हो रहे थे वह भी आवेदन कर सकते हैं और भर्ती की प्रक्रिया में जो है सम्मिलित हो सकते हैं। तो निश्चित तौर पर ऐसे कैंडिडेट जो आपके परिचित हैं, आपके जो मित्र हैं, उन तक भी ये सूचना को जो है आप प्रेषित कीजिए, ताकि वो भी जो है इस भर्ती की प्रक्रिया में सम्मिलित होकर के इससे लाभान्वित हो सके। तो आज के लेक्चर में बस इतने ही जो बदलाव की सूचना थी। अगले लेक्चर में पुनः एक महत्वपूर्ण न्यूज के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।